खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों ये असली कहानी है। अनजान देश में 24 साल का वत्स जैन संकट में फंस चुका था। हुआ यूं कि वत्स बचपन से आर्किटेक्ट बनना चाहता था। उसने कनाडा जाकर एक महंगे कॉलेज से डिग्री पूरी की। अच्छे नंबर आए थे, सोचा था कि जल्दी से लोन उतार दूंगा। लेकिन उसी समय 2007 का रिसेशन आ गया। इस समय सारी कंपनीज खर्चा कटौती कर रही थी, मतलब नई फैक्ट्री और नए ऑफिस के बारे में कोई कंपनी सपने में भी नहीं सोच रही थी। मतलब आर्किटेक्ट फर्म्स को नए प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए आर्किटेक्ट फर्म्स में लोगों की छटनी हो रही थी। ऐसी स्थिति में फ्रेशर्स के लिए जॉब मिलना असंभव था। जॉब मार्केट में मंदी देख वत्स के कुछ दोस्तों ने सेल्स में जॉब कर ली या कोई दूसरा कोर्स करने चले गए। लेकिन वत्स ने हार नहीं मानी। वो मैनेजर से सीधे मिलने की कोशिश करने लगा। उसको लगता था कि मैं अपने उत्साह और नॉलेज से मैनेजर्स को प्रभावित कर लूंगा। कई हफ्तों तक जूते घिसने के बाद, ऑफिस के बाहर खड़े होने के बाद उसे कुछ इंटरव्यूज देने के मौके मिले, लेकिन नौकरी नहीं। पहले वत्स को निराशा हुई, फिर उसने सोचा कि मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। मेरे संघर्षों के लिए केवल मंदी जिम्मेदार नहीं हो सकती। वत्स को जितने फीडबैक मिले थे उनसे उसे समझ आया कि उसकी आर्किटेक्चर की समझ किताब और थ्योरी तक सीमित है। आर्किटेक्ट असल दुनिया में अलग तरीके से काम करते हैं। अब वत्स के सामने सवाल था कि बिना ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस कैसे लिया जाए। सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि असलियत में आर्किटेक्ट कैसे काम करते हैं, क्लाइंट्स को दिखाने के लिए कैसे डिजाइन बनाते हैं, क्लाइंट को कैसे प्रभावित करते हैं और आजकल किस तरह की बिल्डिंग्स और डिजाइंस की मांग हो रही है। इस सारी जानकारी के बाद कंपनी को लगेगा कि वत्स को काम करना पहले से आता है। जाहिर है कि ये सारे सीक्रेट्स तो कोई बताएगा नहीं। वत्स ने दिमाग लगाया और एक बड़ी आर्किटेक्ट फर्म के पास एक प्रिंटिंग की दुकान में नौकरी कर ली। आर्किटेक्ट कंपनी के सारे फाइनल डिजाइन और ब्लूप्रिंट यहीं बड़े बड़े पेपर्स पर प्रिंट होने आते थे। यहाँ वत्स के दो काम हो गए। पहला उसे सीखने को मिला, दूसरा कुछ खर्चा निकालने लायक पैसे भी मिलने लगे। इस दुकान पर वत्स हर दिन आर्किटेक्चर की डिजाइन देखने लगा। कुछ पुरानी फैक्ट्री के रिनोवेशन की थी, कुछ वेयर हाउस और फिलिंग स्टेशन की। वत्स ने छोटे छोटे डिटेल्स ऑब्जर्व करना शुरू किए, जैसे क्लाइंट्स को कौन से डिटेल्स डिजाइन में दिखाए जाते हैं और कौन से डिजाइन हटा दिए जाते हैं। क्लाइंट को कॉस्ट कटिंग के डिटेल्स अलग से दिए जाते हैं, यानी पैसे की बचत डिजाइन में बहुत मायने रखती है। वत्स ने देखा कि कौन से मटेरियल की मांग आज सबसे ज्यादा है। वत्स ने देखा कि हर बिल्डिंग डिजाइन के नीचे रेविट लिखा हुआ है। उसने गूगल किया तो पता चला कि आजकल आर्किटेक्ट्स रेविट नाम का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। वत्स ने तत्काल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके सीखना शुरू किया तो पता चला कि सॉफ्टवेयर बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें बहुत सारे फंक्शन और पैनल हैं। तो वत्स ने एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल पर सीखना शुरू किया। ये सारी प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने के बाद वत्स को लगा कि कॉलेज की डिग्री की जगह उसे जॉब इंटरव्यू में पहले पोर्टफोलियो दिखाना चाहिए जिसमें लेटेस्ट ऑफिस और बिल्डिंग की डिजाइनें हों। वत्स ने रेविट की मदद से काम करना शुरू किया। ये सब करते करते वत्स सॉफ्टवेयर और डिजाइन में एक्सपर्ट हो गया। अब जब प्रिंटिंग की दुकान पर काम करता तो उसे छोटे छोटे डिटेल्स दिखने लगे। उसे दूसरों के डिजाइन में कभी कभी गलतियां भी दिख जाती। वत्स को ये भी समझ आया कि वो ऐसी कंपनी में काम करना चाहता है जो इंडस्ट्रियल डिजाइन पर फोकस करती हो, क्योंकि इसके प्रोजेक्ट जटिल होते हैं। इस बार वत्स ने केवल दो फर्म्स में अपनी डिजाइन्स का पोर्टफोलियो भेजा। आश्चर्यजनक रूप से वत्स को दोनों जगह इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और दोनों जगह ही जॉब ऑफर मिल गए। सीधे काम करने का महत्व। अल्ट्रा लर्निंग किताब में इस सिद्धांत को डायरेक्टनेस कहते हैं। डायरेक्टनेस में पहले आप स्किल पर काम करते हो, फिर जरूरी कंसेप्ट्स पर। एक्सपर्ट्स के पास सबसे बड़ी स्किल होती है पैटर्न समझना। एक एक्सपर्ट स्टूडेंट सवाल पढ़ते ही समझ जाता है कि ये वाला करना है या छोड़ देना है। एक एक्सपर्ट डॉक्टर शक्ल देखकर बता सकता है कि पेशेंट को क्या बीमारी है। जब आप स्किल पर काम करते हो तो सबसे पहले यही काबिलियत पैदा होती है, आप पैटर्न रिकॉग्नाइज करने लगते हो। और जब आप पैटर्न रिकॉग्नाइज करने लगते हो तो अपने आप कंसेप्ट भी दिखने लगते हैं और आप सही मायनों में नॉलेज की कीमत समझने लगते हो। वत्स को आर्किटेक्चर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ने जरूर मदद की होगी, लेकिन वत्स ने असली दुनिया के डायरेक्ट एक्सपीरियंस से 6 महीने में उतना सीखा जितना स्टूडेंट्स 3 साल की क्लासरूम प्रोग्राम में नहीं सीखते, क्योंकि वत्स ने सीधे उन स्किल्स पर काम किया जिनकी असल दुनिया में जरूरत पड़ती है।
डायरेक्टनेस के लिए लोग दो ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। लोग डायरेक्टली प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सीखते हैं। एडिटिंग सीखने के लिए सीधे वीडियो बनाते हैं, कोडिंग सीखने के लिए सीधे गेम लिखते हैं। दूसरी ट्रिक है इमर्सिव लर्निंग। नेवी सील हूबहू उस बिल्डिंग का फ्लोर प्लान बनाते हैं जिसमें उन्हें आक्रमण करना होता है, फिर कई सौ बार ड्रिल को दोहराते हैं। ऐसा करने से ध्यान छोटे छोटे डिटेल्स पर जाता है, छोटे छोटी गलतियां समझ में आने लगती हैं। इस प्रैक्टिकल नॉलेज को आप अप्लाई कैसे करेंगे? अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो पहले दो दिन खुद टाइम मैनेज करके देखो और साथ में टाइम लॉग बनाओ, फिर तीसरे दिन अपनी गलतियों को एनालाइज करो और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट पर कोई वीडियो देखो या कोर्स करो। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो लाइब्रेरी में बैठ कर दो, जिससे आपको अप्रत्याशित डिस्टरबेंस की आदत पड़ जाए, क्योंकि कोई एग्जाम हॉल्स परफेक्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होता है। अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हो तो पहले मॉक इंटरव्यूज दो, फिर अपनी गलतियों को एनालाइज करो और उसके बाद सीधे उन स्किल्स पर काम करो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए कि अभ्यास कैसे आपको अंदर से बदल देता है। सालों का अभ्यास केवल आपको स्किल नहीं सिखाता बल्कि आपकी पर्सनैलिटी बदल देता है। इस वीडियो को अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।